क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग कैसे सोचते हैं? अगर आप दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों से रेगुलरली मिलते हैं और उनसे एडवाइस मांगते हैं, तो जो जानकारी आपको मिलेगी कुछ वैसी ही जानकारी पॉलिना ने अपनी किताब हिडन जीनियस में शेयर की है। ये एक बेहतरीन किताब है और इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है। इसके हर एक चैप्टर में एक नया आइडिया डिस्कस किया गया है और उसको अलग अलग लोगों के पर्सपेक्टिव से प्रेजेंट किया गया है, जैसे कि एस्ट्रोनॉट्स, मूवी स्टार्स, इन्वेस्टर्स, ये लोग क्या सोचते हैं उस आइडिया के बारे में। तो आइए अब इस किताब से हम 5 की लेसन्स देखते हैं और जानते हैं उनको अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई किया जा सकता है। पहला, रोजमर्रा की चुनौतियों के माध्यम से सहनशीलता बनाए, बिल्डिंग मेंटल टफनेस थ्रू डेली चैलेंजेस। डेविड गॉगिंस, जो फॉर्मर नेवी सील हैं, उनका मानना है कि मेंटल टफनेस को बनाने के लिए नियमित रूप से कठिनाई का सामना करना चाहिए और उन्हें पार करना चाहिए। आप डेली रूटीन में मिनी चैलेंजेस या स्ट्रेस टेस्ट शामिल कर सकते हैं, इससे आपका रेजिलियंस बढ़ेगा और मेंटल टफनेस भी। दूसरा, समय के साथ विश्वास बनता है, ट्रस्ट इज अर्न्ड ओवर टाइम। हर प्रकार के संबंधों में विश्वास एक मौलिक पहलू होता है जो समय के साथ सतत कार्यों के माध्यम से कमाया जाता है। जैसे लिंक्डइन के फाउंडर रीड हॉफमैन कहते हैं, ट्रस्ट इज इक्वल टू कंसिस्टेंसी प्लस टाइम। एक ड्यूरेशन के दौरान कंसिस्टेंट रहने से और पूरी की गई एक्सपेक्टेशन से विश्वास बनता है। तीसरा, कथा विवेचन की कला, मास्टर द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। प्रसिद्ध स्क्रीन राइटर एरन सॉर्किन का मानना है कि कहानी जिस तरीके से कही जाती है उस चीज का काफी इम्पैक्ट पड़ता है कहानी पे। एक सचमुच आकर्षक कहानी सिर्फ घटनाक्रमों का विवरण नहीं होती है, बल्कि वे घटनाएं क्यों महत्वपूर्ण है और उनका क्या प्रभाव है ये बताना जरूरी है। चौथा, सामर्थ्य से आत्मविश्वास की ओर, कॉम्पिटेंस लीड्स टू कॉन्फिडेंस। एस्ट्रोनॉट क्रिस हैटफील्ड एम्बॉडी करते हैं ये आइडिया कि कॉन्फिडेंस ऑफन कॉम्पिटेंस का रिजल्ट होता है जो कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से गेन किया जा सकता है। उनकी रिगरस ट्रेनिंग और एक्वायर्ड स्किल्स ने उन्हें वो कॉन्फिडेंस दिया जो उन्हें लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन से नेविगेट करने में हेल्प करता था। पांचवा, मौलिकता की प्रशंसा करें, चेरिश ओरिजिनलिटी। सक्सेसफुल इनोवेटर्स जैसे कि पिक्सार के को-फाउंडर एड कैटमल के पास 3 यूनिक एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक यूनिक व्यू पॉइंट, एम्बिशियस गोल्स को अचीव करने का कॉन्फिडेंस और रिवॉल्यूशनरी आइडियाज के लिए बड़े रिस्क लेने की विलिंगनेस। ओरिजिनलिटी को चेरिश किया जाता है और फेलियर को इनोवेशन प्रोसेस का एक एसेंशियल पार्ट माना जाता है, कोई हिंड्रेंस नहीं। अब बारी है आपकी, इन लेसन्स को अप्लाई करें। धन्यवाद।